मित्रों नमस्कार। आप सभी की ऐसी अपेक्षा थी कि शाला सिद्धि डैश हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में, जो अभी फिलहाल स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया चलना है उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। मित्रों सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूर्व के वीडियो में आपने स्वमूल्यांकन एवं बहुमूल्यांकन ये सभी प्रक्रियाएं समझी थी, लेकिन फिलहाल राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बहुमूल्यांकन का आगामी आदेश तक के लिए प्रक्रिया को रोक दिया गया है, इसलिए स्वमूल्यांकन के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों शाला सिद्धि कार्यक्रम अपने मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 से संचालित हैं, जिसमें हमारी पूर्व से शाला चयनित थी। अभी जो स्वमूल्यांकन करना है वो हमारी वर्ष 2019 और 20 में चयनित सभी शालाओं का स्वमूल्यांकन संपादित होना है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। साथियों अभी जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो पत्र क्रमांक राशि के शाला सिद्धि 2019-81-14 भोपाल दिनांक 19/12/2019 जो जारी हुआ है उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व के जो हमारा बहुमूल्यांकन या स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया संचालित करनी थी नवीन चयनित शालाओं में, तो उसको फिलहाल बहुमूल्यांकन एवं शाला उन्नयन कार्य योजना को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। अब हमको यह क्लियर करना है कि जो स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया अभी करना है ये 28 दिसंबर 2019 की अवधि तक पूर्ण रूप से संपादित करके और शाला सिद्धि के दो पोर्टल हैं, दोनों पोर्टलों पर हमें फीडिंग कराना है। पहला पोर्टल है शाला सिद्धि .mp.government.in पर, और उसके बाद दूसरा हमारा जो शाला सिद्धि का पोर्टल है शाला सिद्धि .nupa.ac.in पर। इन सभी पोर्टलों पर हमारे जनशिक्षक के द्वारा यह फीडिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों फीडिंग तो करना है, लेकिन फीडिंग के पहले स्वमूल्यांकन कैसे करना है, क्या क्या कार्रवाई करना है, इसको विस्तृत रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों स्वमूल्यांकन के प्रमुख 6 चरण हैं। इसमें पहला जो चरण है विचारी प्रश्न है। विचारी प्रश्नों को हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे सभी बाल कैबिनेट, शाला प्रबंधन समिति, समस्त स्टाफ और HM शामिल होंगे, ये मैंने पूर्व में भी बता दिया गया है। विचारी प्रश्न पढ़ने से मात्र हमारी सोच को दिशा देंगे, इनको कहीं लिखना नहीं है। ये आयाम एक का जो विचारी प्रश्न है, जैसे उदाहरण के लिए पहला विचारी प्रश्न है आपकी शाला के पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, इन संसाधनों का कितना उपयोग किया जा रहा है, क्या ये पर्याप्त हैं। दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया हमारा शाला के लिए संसाधनों के उपयोग में लाने की संभावना और सीमा क्या है। तीसरा विचारणीय प्रश्न है शाला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शाला द्वारा बनाई अपनाई गई प्रक्रिया क्या होगी। इसका दूसरा क्रम तथ्यात्मक जानकारी है, जो हमारा निर्धारित फॉर्मेट है, जिसके बारे में मेरे पूर्व के वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ये निर्धारित फॉर्मेट में जो भी शाला से संबंधित जानकारी चाही गई है वो अपन भर के पहले से रखेंगे, जिससे स्वमूल्यांकन के दौरान हमें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगला चरण है हमारा जो जिसके आधार पर हमारी शाला का स्तर निर्धारण होना है, वो ये स्तर निर्धारण है। जैसे मान लो आयाम एक में शाला में उपलब्ध संसाधन, उसकी उपलब्धता और पर्याप्तता, गुणवत्ता उपयोगिता के बारे में। तो पहला मानक है शाला परिसर। शाला परिसर में
जो हमारे स्तर एक की अपेक्षा है वो है हमारा खुला क्षेत्र अपर्याप्त हो, शाला सभा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्ध कच्चा निर्माण है, बाउंड्री वॉल फेंसिंग नहीं है या पूरी नहीं है, शाला परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है। ये हमारे अपेक्षाएं दी गई हैं। इन अपेक्षाओं में से जो हमारी शाला पूर्ण कर रही है उस पर हम राइट लगाएंगे और जो हमारी शाला पूर्ण नहीं कर रही है वहाँ क्रॉस लगा देंगे। ऐसे स्तर दो की अपेक्षाएँ देखिए, खुला और निर्मित क्षेत्र शाला सभा के लिए पर्याप्त है किंतु सभी विद्यार्थियों के आराम से बैठने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे हमारे देखिए कार्रवाई के बिंदु दिए गए स्तर दो की, समझना यह स्तर एक की अपेक्षाएँ, स्तर दो की अपेक्षाओं में से अगर हमारी शाला एक भी पूरा नहीं कर पाती है तो हमारे शाला का स्तर एक ही होगा। अगर स्तर एक की सभी अपेक्षाएं और स्तर दो की सभी अपेक्षाएं हमारी शाला पूर्ण करती है तब हमारी शाला का स्तर दो होगा। ऐसे ही अगर स्तर तीन के लिए बात करें तो हमारी स्तर एक की सभी अपेक्षाएं और स्तर दो की सभी अपेक्षाएं पूर्ण कर ले, उसके बाद स्तर तीन की सभी अपेक्षाएं यदि हमारी शाला पूर्ण करती है तब उस मानक में हमारी शाला का स्तर तीन होगा। ऐसे हमें प्रत्येक मानक पर ये आयाम एक है, हमारी इसमें दो तरह से आपको दो बार निकालना है, शाला परिसर में उपलब्धता पर्याप्तता और गुणवत्ता और उपयोगिता के लिए। ऐसे गुणवत्ता उपयोगिता में हमारे अपेक्षाएं स्तर एक की दी गई हैं, स्तर दो में दी गई हैं, स्तर तीन की भी दी गई हैं। जो पूर्व में उपलब्धता पर्याप्तता में जिस तरह से मैंने बताया या स्तर एक और दो की सभी अपेक्षाएं यह शाला पूर्ण करती है तो हमारी शाला का स्तर दो हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी अपेक्षा हमारी अधूरी रहती है तो हमारी शाला का स्तर एक होगा और इसी प्रकार स्तर तीन के लिए पूर्वानुसार कार्य संपादित किया जाएगा। अभी आपने जो स्तर निर्धारण समझा वो हम फॉर्मेट में स्तर निर्धारण कैसे भरेंगे तो यह है स्व मौल्यांकन जांच सूची शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो वर्ष 2019-20 की। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय मलपुरा विकासखंड अटेर जिला भिंड की है तो इसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखिए ये आयाम एक है, आयाम एक में मान लो शाला परिसर में स्तर एक पर टिक किया गया है तो मान लो ये स्तर एक की शाला है, शाला परिसर में मानक एक में इसने जो ग्लेड पूरे नहीं कर पाए ये सभी स्तर की वे अपेक्षाएँ जो समूल्यांकन के दौरान पूर्ण नहीं पाई गई, खुला क्षेत्र अपर्याप्त है, यहाँ शाला सभा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्ध कच्चा निर्माण है, बाउंड्री वॉल फेंसिंग की या पूरी नहीं है, शाला परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है, खुला और निर्मित क्षेत्र शाला सभा के लिए पर्याप्त है किंतु सभी विद्यार्थियों का आराम से बैठने के लिए अपर्याप्त है, पक्का भवन है, बाउंड्री वॉल बिना गेट की फेंसिंग है, परिसर में छोटा सा उद्यान और कुछ ही पेड़ हैं। ये सभी अपेक्षाएं सारा ये पूर्ण नहीं कर रही है तो इसमें स्तर की वे अपेक्षाएं दी गई हैं जो स्वमूल्यांकन के दौरान पूर्ण नहीं पाई गई हैं। इसी प्रकार सुधार का चिन्ह क्षेत्र इसका होगा वो हमारा शाला का उद्यान और बाउंड्री वॉल फेंसिंग, शाला भवन, शाला सभा के लिए स्थान। ये बात हो गई हमारी उपलब्धता और पर्याप्तता की। इसी प्रकार ये हमारी गुणवत्ता और उपयोगिता में स्तर की जो अपेक्षाएं शाला पूर्ण नहीं कर पाई है वे सभी अपेक्षाएं इस फॉर्मेट में लिखी गई हैं और स्तर की सुधार के चिन्ह क्षेत्र भी अंकित किए गए हैं। ये मात्र अगर आयाम दो में बात करें तो उसमें ये दो बार नहीं है क्योंकि वहाँ मात्र एक ही बार जैसे मान लो सीखना सिखाना और उसका आकलन आयाम दो है, इसमें विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ। स्तर एक है इसमें जो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाई है शाला वो ये हमारी अपेक्षाएं लिखी हुई हैं, उसके बाद उसके निर्धारित सुधार के चिन्ह क्षेत्र जो चयनित हैं वो
नाम से पुकारना, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना, विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं जैसे रुचि रुझान, सीखने की गति और सीखने की शैली को पहचानना है। ये परिशिष्ट दो से हमारे सुधार के चिन्ह क्षेत्र लिए गए हैं, जो हमारी कार्य पुस्तिका, जो हमारी शाला सिद्धि मार्गदर्शिका में है, उसमें 69 पेज से दिए गए हैं सुधार के चिन्ह क्षेत्र, वहाँ से हमें ये अंकित करना है। साथियों, फिलहाल स्तर निर्धारण में यहीं तक, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट अभी भरना है वो स्तर निर्धारण तक ही भरना है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। आगामी आगे देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे शाला सिद्धि से संबंधित जो भी नए निर्देश या जो भी कार्यक्रम आते हैं आपको समय से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।